अस्सलाम वालेकुम एंड व्हाट्सअप टू ऑल 50th नेशन। कैसे आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज फाइनली मैं डिटेल वीडियो ले आया हूँ अपनी क्लासिक मोटरसाइकिल की, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मॉड्स हुए हुए हैं। डिटेल में आप लोगों को मैं बताऊँगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊँगा, सब्सक्राइब करें चैनल का, प्रेस करें बेल आइकन ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिले, और डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, वहाँ पर जाके ज़रूर फॉलो करें। तो ये जो आप सामने एक मोटरसाइकिल देख रहे हैं, ये है एक अदद सुजुकी का GS 150, और क्या क्या मॉड्स हुए हैं इसके ऊपर, ये थोड़ा सा क्लोजअप है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप लोग ऑब्जर्व करें। सेम इंजन है, तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा फ्रंट से आप लोगों को मैं दिखाता हूँ क्लोजअप में, और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, फ्यूचर में बात करेंगे, लेकिन अभी फ्रंट से शुरुआत करते हैं। इसकी स्टॉक हेडलाइट है जिसके अंदर आपको बीम मिलेगी येलो और वाइट में। इसके अलावा इसके अगर आप राइट लेफ्ट पर देखें तो यहाँ पर LEDs इंस्टॉल्ड हैं। ऊपर गार्ड्स की तरफ आ जाएं तो ये आप देखेंगे लीवर्स के आगे आपके क्रैश गार्ड्स लगे हुए हैं, जिनके अंदर इंडिकेटर्स भी हैं। इनके साथ ही क्लच लीवर के ऊपर आपको लाइट्स वगैरह नज़र आएंगी, जो कि रात के वक्त बड़ी इफेक्टिव हैं टूर्स के लिए। ये इसका फ्रंट आप देख सकते हैं, गार्ड आ गया। ये टायर की मैं आपको एक लुक दिखा दूं इसकी मोटरसाइकिल की, 9918 डायमंड का टायर इसके अंदर लगा था फ्रंट पे, और डिस्क ब्रेक इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। अब प्रीवियस ऑनर्स जिनसे मैंने बाइक ली थी, डिस्क ब्रेक मुझे इंस्टॉल्ड मिली थी, और ये डिस्क ब्रेक जो है, ये जो प्लेट है इसका कन्फर्म नहीं है, लेकिन बाकी जो इसकी आप कह लें शॉक्स वगैरह वो GS के अपने हैं, और बहुत सारी मॉडिफिकेशन जो है ना इसके अंदर आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी हुई हुई हैं, कि इसको टूर रेडी किया हुआ है। ये आप देखेंगे GLI हॉर्न्स हैं, एक बड़ा अच्छा गेज का आपको ये क्रैश हैंडल बार मिल जाता है। कमिंग एट द फ्रंट डिजिटल स्पीडोमीटर है। बाइक का टैंक रैप नहीं है, बाइक के टैंक अगर आप एरोडायनामिक्स देखें यहाँ से तो वो बड़ी अच्छी तरह ये तैयार किया गया है, और इसके अंदर फ्यूल गेज भी इंस्टॉल्ड है। थोड़ा सा क्लासिक लुक, रेट्रो लुक, क्योंकि हम बाइकर्स का एक ड्रीम होता है हार्ले का, तो इसको सिर्फ वो टच दिया गया है हार्ले डेविडसन। ये अगर आप चेन कवर देखें, ये पेंटेड है। उसके अलावा ये बैक लाइट टेल बॉक्स के लिए जो है वो इसके अंदर कनेक्शन हुए हुए हैं। स्टॉक GS की सीट है, लेकिन इसको थोड़ा सा कंफर्टेबल बनाया गया है। फ्रंट ग्रिप्स की तरफ आ जाएं, किल स्विच, और लेफ्ट पर जो आपकी बेसिक असेंबली आती है वही है। ये जो आप देख रहे हैं बटन, ये आपका लाइट्स के लिए है, और लाइट्स का जो डेमो है वो मैं आपको रात को दूंगा चला के, ऑन ऑफ करके रात की वीडियो में। सो ओवरऑल डिटेल्ड जो है ना वो एक यही एक बाइक है, क्योंकि बड़ा खूबसूरत और बड़ी मेहनत जो है इस पर हुई हुई है। टायर साइज फ्रंट पे बेहतर रखा गया, बड़ा रखा गया है। रोड ग्रिप इस मोटरसाइकिल की बहुत अच्छी है, और डिस्क ब्रेक जो है वो इसकी बड़ी इफेक्टिव है, और ये डुअल पिस्टन जो है आपके डिस्क ब्रेक है। और अभी मैं इस मोटरसाइकिल को स्टार्ट करता हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोटरसाइकिल इस वक्त स्टार्ट हो चुका है, और वैसे मैं इसकी लाइट्स वगैरह सारी ऑन करता हूँ ताकि आप लोगों को ज़रा डिटेल लुक में जो है वो बताया जा सके, दिखाया जा सके। ये आप देखेंगे लाइट्स, और रात के वक्त जो इनका थ्रो निकल के आता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत ज़बरदस्त थ्रो निकल के आता है इनका। और एग्जॉस्ट जो है इसका वो बिल्कुल स्टॉक है, उसमें किसी किस्म की कोई मॉडिफिकेशंस नहीं की गई हैं। सो दैट इज़ प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगेन मैं आप लोगों को बताता चलूँ, मेरे ग्रुप का नाम है 50th नेशन, और हम लोग टूर्स करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ ब्यूटीफुल प्लेसेस को। हमने खुंजराब बॉर्डर और दूसरा तीसरा पंजाब साइड पर टूर्स किए हैं, KPK साइड पर टूर्स किए हैं, हमारे ग्रुप का हिस्सा बने, और बहुत सारी नॉलेज जो है वो हमें एक दूसरे से सीखने को मिलेगी, राइड करने का मौका मिलेगा। सो टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।